हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्को करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। सर, हम लोग अपने निंजा ऑफर को डिजिटल में कैसे अपग्रेड करें, क्या है सर प्रोसेस? और इसके साथ ही साथ ये जो डाउट्स बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम लोग का जो पैकेज है सर वो 3.6 है, ठीक है सर, हम लोग अपने पैकेज को कैसे 7 LPA कर सकते हैं, ये तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। वो है आपका टीसीएस सैलरी एनरोल अपग्रेड, टीसीएस कोड बीटा न्यू मेल अपडेट, 22 एंड 23 बैच डिजिटल ऑफर अपडेट, ट्रेनिंग एंड ऑफर रिवोक कंडीशन, हु विल रिसीव डिजिटल अपग्रेड मेल एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो मैं आप लोग को पहले दिखा दूँ, फ्रेंड इस तरह का आप लोग फ्रेंड देखेगा तो मेल है ये, अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड योर TCS ऑफर फ्रॉम निंजा टू डिजिटल। ओके, ग्रेटिंग फ्रॉम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द TCS कोड बीटा सीजन 10, यू ऑलरेडी होल्ड अ निंजा ऑफर विद TCS। विद आवर रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट TCS NQT फॉर द बैच ऑफ 23, वी वुड लाइक टू ऑफर यू एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड योर ऑफर फ्रॉम निंजा टू डिजिटल एंड मेक द बिग मूव इन योर करियर। Please note the following important points. As you already hold a TCS Ninja offer, you will directly receive the communication from our test partner TCS Ion for the remote assessment. So, यहाँ पर फिर आप लोग देखोगे तो आपका एक एग्जाम भी होने वाला है. Okay, after exam your offer is going to be upgraded. Exact test date and time will be communicated by our test partner TCS Ion. Test will be conducted from 15th अगस्त 15 ऑनवर्ड्स, तो 15 अगस्त के बाद से ये एग्जाम देखने को मिलेगा आप लोगों को डिजिटल का एग्जाम। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताना कितने लोगों के पास इस तरह का मेल देखने को आया है फ्रॉम दी 23 बैच। अगर ज़्यादातर लोगों के पास देखने को आएगा तो मैं आप लोगों के लिए जो है डिजिटल का एग्जाम पैटर्न बना के आप लोगों के लिए बता दूंगा और क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या है कट ऑफ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेक श्योर आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आपके पास ये मेल आया है या फिर नहीं आया है, और आपको मैंने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपको उसके ऊपर में डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, यू मस्ट यूज योर करेंट TCS रेफरेंस ID CTDT नंबर फॉर ऑफर अपग्रेड, डू नॉट यूज एनी डुप्लीकेट IDs एज इट इज लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। तो आपको डुप्लीकेट IDs नहीं यूज करने हैं फॉर द TCS रेफरेंस। Request you to go through the below link to know more about TCS NQT test pattern and related details, क्योंकि आपका फ्रेंड भी करेंटली जो चल रहा है ना उसी को लेकर है। आगे फ्रेंड देखोगे तो इस ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ आप लोगों को इस तरह का मेल देखने को आएगा, ऑफर इज अपग्रेडेड फ्रॉम निंजा टू डिजिटल, डियर कैंडिडेट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑफर इज अपग्रेडेड फ्रॉम निंजा टू डिजिटल, प्लीज एक्सेप्ट द डिजिटल ऑफर लेटर इन सिस्टम सो वी कैन प्रोसीड विद द ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज। सो जितने लोगों ने भी अपना निंजा का जो डिजिटल का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके पास जो है 4 से 5 दिन के अंदर में भी है में भी या फिर मैक्सिमम जो है 7 दिन टाइम लगता है आप लोग पास मेल आने में कि आपका जो है डिजिटल में अपग्रेड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड यू कैन एक्सेप्ट योर ऑफर लेटर फ्रॉम द सिस्टम मीन्स TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का आप लोग को मेल देखने को आने वाला है। और फिर आप लोगों को मैं दिखा दूं फ्रेंड आप क्या है सर प्रोसेस, हाउ वी कैन अपग्रेड आवर निंजा ऑफर टू डिजिटल। तो बेसिकली इसमें दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहला जो फ्रेंड आपका होता है वो है आपका TCS का DCA एग्जाम। आप लोग में से काफी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर असेसमेंट टेस्ट, जिसके थ्रू से आप लोग निंजा टू डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हो। ये एग्जाम बेसिकली हर 3 मंथ में होता है आफ्टर एक्सेप्टिंग योर निंजा ऑफर लेटर। ओके, और एक होता है आपका TCS का इंटरनल हायरिंग, जो कि आपका होता है TCSLL VIL 1, जो कि मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग थोड़ा सा परे होगा तो वीडियो में आप लोग देख लेना मेरे वीडियो को चेकआउट करके, ठीक है। TCS विंग 1 पप्पू करियर गाइड सर्च मारो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो पहले देखते थे DCS को लेकर स्टार्ट विंग्स 1 आप लोग फिर देख जर्नी स्मार्ट और निंजा आप लोग देखिए। डिजिटल के लिए आपका TCSL टेक एंड DCA टेक डिस्ट एंड और 1 TCSL टेक डिस्ट आपको फिर ये दोनों आपका पास होता है और फॉर नॉन आईटी मतलब कि जो टेक्निकल्स है जो नॉन टेक्निकल्स है दोनों को ही अपग्रेड का मौका मिलता है इन TCS फॉर देयर निंजा टू डिजिटल। आप फिर देखो तो फिर डिजिटल रिवॉर्ड कुछ कंडीशन भी है, तो आपको ट्रैक वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं आफ्टर गेटिंग अ मेल फ्रॉम द TCS टीम दैट योर यू कैन अपग्रेड योर ऑफर। देखो ये मेल आता है, ठीक है, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे आएगा कि नहीं। अगर आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, अगर आप उस जिस समय आपने एग्जाम दिया था अगर उसमें डिजिटल का रिक्वायरमेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू द TCS बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये मेल देखने को आ सकता है।
तो आपको मेल आएगा अल्टीमैक्स का, उसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया रहेगा, आप लोग ऐसे लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है ट्रैक वगैरह देखने को मिलेगा, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम स्टार्ट करना है और हर महीने ये एग्जाम चलता रहता है। और जैसे आप लोग अच्छा एग्जाम परफॉर्म करते हो उसके बाद आपका जो है ऑफर लेटर अपग्रेड हो जाता है। आप में देखोगे तो यहाँ पर ट्रैक वन है टीसीएसएल टेक डिस्ट और आपका पर ट्रैक टू है, और यहाँ पर आपका ये दोनों में से आप लोग एक एक्सेप्ट कर सकते हो। और यहाँ पर फिर आप देखोगे तो एक आपका है टेक्निकल के लिए, एक आपका नॉन टेक्निकल के लिए, तो दोनों अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को लास्ट में समझ में आएगा जब आपके पास मेल आ जाएगा अपग्रेड मेल का, ठीक है, कि आप अपग्रेड कर रहे हो। तो ये 2019 से लेकर 23 बैच सभी लोगों को देखने को आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम परफॉर्मेंस, ओके। एंड योर अगर आप लोग ऑलरेडी टीसीएस में निंजा में हो तो उसके बाद भी आपको टीसीएस कभी मेल सेंड कर सकते हैं जब भी उनके पास न्यू रिक्रूटमेंट आती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो कि चीज पर बेटा मैंने बता दिया आपको टीचर्स सैलरी एंड रोल अपग्रेड और ज्वाइनिंग एंड ऑफर रिवोक कंडीशन। यहाँ पर मैं बता दूँ फिर अगर आप लोग टीचर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा कहीं पर भी जो है चालाकी करते हो तो टीचर्स आपको मल्टीपल हायरिंग प्रोसेस के बीच में आपको रिजेक्शन कर सकती थी उनको, क्योंकि उनका ये कंडीशन है इफ एनीवन इज फाउंड एनी टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस और एनीथिंग लाइक झूठ बोलना या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होना, आपको टीचर्स कभी कोई भी कंपनी आपको तभी के तभी रिजेक्ट कर सकती है। सो मेक श्योर यू आर फुलफिलिंग द टीसीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग, लाइक आप लोग दूसरे वाले किसी कंपनी से आप लोग अपने रिजल्ट को अपग्रेड कर रहे हो या फिर आपका परसेंटेज नहीं है, आप लोग झूठ दे रहे हो परसेंटेज, तो ये आपको भारी पड़ने वाला है इन टीसीएस। हु विल रिसीव मैंने बता दिया, फिर आपको हु रिसीव डिजिटल अपग्रेड मेल मैंने बता दिया, टोटली डिपेंड करता है टीसीएस के ऊपर में कि आपका अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द कंपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको डिजिटल का देखने को आएगा मेल। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो फिर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, इसके बाद कोई डाउट्स रहता है आपके मन में, कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर देना। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ दूसरे कंपनी को लेकर डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, फिर मेरा हर एक रीजन का टेलीग्राम ग्रुप है, आपका पुणे हैदराबाद लाइक आपका यूपी हो गया पटना कोलकाता बिहार हर एक रीजन का टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपके से काफ़ी लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, वहाँ भी अपने डाउट्स वगैरह को क्वेरीज वगैरह को पूछ सकते हो। मेरा खुद का मतलब काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। डिजिटल का भी एक सेपरेट ग्रुप है, निंजा का भी एक सेपरेट ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ भी अपने डाउट्स को अपने अपडेट्स को जान सकते हो। तो चलो वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद। आई मीन वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करना, सपोर्ट दिखाना, वीडियो को जरूर शेयर करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है।